नमस्ते दोस्तों, आज हम अमीर लोगों के 11 सीक्रेट्स की बात करने जा रहे हैं। ऐसे 11 रहस्य जो आप अमीर लोगों के बारे में शायद नहीं जानते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले। दोस्तों, अमीर लोगों का पहला सीक्रेट है, दे इन्वेस्ट इन थिंग्स दे अंडरस्टैंड। अमीर लोग ऐसी ही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो चीजें उन्हें समझ में आती है। ऐसी एसेट क्लास में पैसे लगाते हैं जो एसेट क्लास उन्हें समझ में आता है। अगर उन्हें एक आध एसेट क्लास समझ में नहीं आता तो वो वहां पर पैसे नहीं लगाते। वॉरेन बफे जी कहते हैं, जो चीज मुझे नहीं समझ में आती मैं वहां पर पैसे नहीं लगाता। वैसे ही सारे के सारे अमीर लोग, अगर कहीं पर पैसे लगाने हैं तो क्यों लगाने हैं, क्यों रिटर्न बनेंगे, कैसे रिटर्न बनेंगे, क्या क्या रीजंस है उसके पीछे, उसे पूरी तरीके से समझ कर लेंगे, उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। एसेट क्लास को समझने की वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो रिटर्न जनरेट करती ही है। दूसरा सीक्रेट है अमीर लोगों का, वो है दे फोकस ऑन इनकम नॉट सेविंग। गरीब लोग जो होते हैं वो पैसे बचाने पर फोकस करते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो इनकम जनरेट करने पे फोकस करते हैं। वो कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं, जहां पर उन्हें इनकम मिलेगा इसकी श्योरिटी लगती है। गरीब लोग बचत के पीछे भागते हैं, अपना टाइम एफर्ट वेस्ट करते हैं पैसे बचाने के पीछे। जैसे कि उन्हें अगर कोई कहे एसेट बनाना सिखाएंगे, उससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, उसके लिए उन्हें कुछ फीस देने के लिए कहा जाएगा तो वो कहेंगे कि मैं फीस के पैसे बचा लूंगा। लेकिन अमीर लोग कहेंगे, अगर आपने एसेट बनाने के लिए नहीं बनाना सिखाया तो मेरे पैसे का क्या। और वो सीखेंगे और उन्हें लगता है कि यस, ये लोग हमें सही तरीके से एसेट बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए इनकम जनरेटिंग होगी। गरीब लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं और उन्हें लगता है उन्हें पैसे लॉटरी से मिलेंगे और उन्हें फ्री में चाहिए। गरीब लोगों को फ्री में चाहिए और इंस्टेंट चाहिए, और देर इज नो फ्री लंच और देर इज नो इंस्टेंट मनी। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो फोकस करना है पैसे कमाने पर, ना कि पैसे बचाने पर। तीसरा अमीर लोगों का सीक्रेट है, रिच नोज द बेनिफिट ऑफ बिजनेस एंड दे डू द बिजनेस। देखिए दोस्तों, बिजनेस के बहुत सारे अपने फायदे हैं। आप अगर बिजनेसमैन हो तो बहुत सारे टैक्सेस में बचत कर सकते हो, सारे खर्चे जाने के बाद आप इनकम टैक्स भरते हो। बिजनेस एक सिस्टम काम करती है, लोग काम करते हैं बिजनेस में, बहुत सारे लोग उनके लिए एफर्ट लेते हैं और उनके गोल पूरे करने के लिए उन्हें मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बहुत निचले स्तर से स्टार्ट करते हैं, एक लेवल पे पोस्ट है और फिर सडनली हम रिटायर हो जाते हैं। फिर हमारे बच्चे निचले स्तर से शुरू करेंगे, एक सर्टन लेवल पे अच्छी अर्निंग की पहुंचेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अमीर लोग नीचे से शुरू करते हैं, फिर उनके बच्चे जहाँ पे उन्होंने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी ने बहुत नीचे से शुरुआत की थी, बाद में मुकेश आए और उनके आगे वो लेके गए। अमीर लोग बिजनेस करने का इम्पोर्टेंस समझते हैं, जिससे उनकी फैमिली की अर्निंग स्टेगनेंटली बढ़ती ही रहती है। तो दोस्तों, अमीर लोग बिजनेस करते हैं, गरीब लोग सेफ सिक्योर जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं। अमीर लोग का चौथा सीक्रेट, दे फोकस ऑन मनी मेक मनी और रिचनेस। अमीर लोग पैसे से पैसा बनाने पे फोकस करते हैं, ना कि कुछ और स्किल सीख कर और कुछ एफर्ट लेकर पैसे कमाने में। वो स्किल्ड लोगों को हायर करते हैं अगर उन्हें किसी स्किल की जरूरत है तो, और पैसे से पैसा बनाते हैं। वो कभी भी अपना वक्त और एफर्ट नहीं बेचते, बल्कि वो एक्सपर्ट लोगों का, जिन्हें सब जानकारी ज्यादा है, उन्हें हायर करते हैं, उन्हें पे करते हैं, उनसे उनका टाइम और एफर्ट लेकर वो पैसे बनाते हैं। तो पांचवा सीक्रेट है अमीर लोगों का, दे आर वेटिंग फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। अमीर लोग कभी भी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गरीब लोग रिटर्न देखते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न अगर किसी एसेट क्लास में बन रहे हैं ऐसा उन्हें दिखता है तो इमीडिएटली जाकर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि 2012 से लेकर 2019 तक गोल्ड 25 से 30 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, तब उन्होंने वहां पे पैसे नहीं लगाए। लेकिन जैसे ही गोल्ड 50 एंड अबव ट्रेड करने लगा, लोगों को, गरीब लोगों ने वहां पे पैसे लगाए। लेकिन अमीर लोग इंतजार करेंगे कि कब गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएगी, तब वो पैसे लगाएंगे। वैसे ही रियल एस्टेट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, बॉन्ड डिबेंचर के लिए, हर चीज के लिए अमीर लोग इंतजार करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का। उसके बाद बायर में बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सस्ते में वो चीजें खरीदते हैं और बहुत महंगे में उन्हें बेचते हैं। छठा सीक्रेट है अमीर लोगों का, रिच हैव प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग अभी उन्हें जो भी जरूरत है वो पूरी करने के लिए कितने पैसे चाहिए उसके लिए प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्यूचर में जो जो नीड्स है उसके लिए वो प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग एसेट क्लास में एसेट एलोकेशन करते हैं। तो दोस्तों, गरीब लोगों का
प्रेजेंट में क्या लगने वाला है उस पर भी ध्यान नहीं होता, फ्यूचर में क्या लगने वाला है उस पर भी ध्यान नहीं होता, और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और लोन पे पैसे उठाकर इंटरेस्ट के चक्कर में अटकना पड़ता है। देखिए दोस्तों, हमारी जरूरतें सबकी सेम है, आज नहीं तो कल ये जो शरीर है काम करना बंद करेगा, और जब ये शरीर काम करना बंद करेगा तो अर्निंग आना बंद हो जाएगा। तो ये नीड है फ्यूचर में कि आपके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम तैयार चाहिए, आप काम करें ना करें फिर भी आपको इनकम आनी चाहिए, तभी जाकर आप अमीर रह सकते हो। उसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई है, जो भी कंपल्सरी गोल्स है उसके लिए अमीर लोग प्लानिंग करते हैं, गरीब लोग राम भरोसे जीते हैं। सातवां का सीक्रेट है, रिच गेट मोर रिच बाय यूजिंग द अदर पीपल मनी। अमीर लोग और अमीर बनते हैं वो दूसरों का पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद के पैसे से जितना पॉसिबल है उतना तो करते ही है, साथ में दूसरों का, बैंक्स का पैसा लेंगे, इन्वेस्टर का पैसा लेंगे, उनको सेफ एंड सिक्योर रिटर्न की गारंटी देंगे, और वो रिटर्न भी उनको देंगे, लेकिन उन्हीं के पैसे को लेकर वो बिजनेस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, उससे बहुत सारे पैसे बनाएंगे, खुद के पास रखेंगे, और थोड़ा सा कमिटेड अमाउंट जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं उन्हें वो दे देंगे, जिसकी वजह से उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि पैसे कमाकर ही पैसे को काम पे लगाना है। तो ये लोन निकाल के और दूसरों के पैसे लेकर भी अमीर बनते हैं। यह है सातवां सीक्रेट अमीर बनने का। अमीर लोगों का आठवां सीक्रेट है, दे डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम लेस रिच पीपल। जो लोग गरीब है, जिनको खुद काम कर कर ही रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ सकता है, ऐसे लोगों से वो कभी भी इन्वेस्टिंग एडवाइस या कैसे ग्रो करें इसकी एडवाइस नहीं लेते। वो ऐसे ही अमीर लोगों की एडवाइस लेते हैं जिन्होंने खुद से वो अचीव किया है, उन्हीं की मदद से वो अमीरी या अपना टारगेट अचीव करते हैं। देखिए दोस्तों, जिसने जो गोल अचीव किया है उसके पास अमीर लोग पूछते हैं, उसे वो फॉर्मूला पूछते हैं कि कैसे तुमने इतनी आसानी से ये गोल पूरा किया है, वो फॉर्मूला मुझे बताए, उसके लिए चाहिए तो मेरे से पैसे ले लो, और वो मॉडलिंग करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उन्होंने जो किया जिस तरीके से रिजल्ट आए उसी को फॉलो करके वो रिजल्ट लाते हैं और अमीर बनते हैं। अमीर लोगों का नौवां सीक्रेट है, दे हैव मनी मेकिंग नॉलेज एंड दे लर्न ऑलवेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि उनके पास मनी मेकिंग का नॉलेज भी होता है और वो ऑलवेज सीखते रहते हैं। गरीब लोग सीखना बंद करते हैं, सीखना बंद होता है तो ग्रो होना बंद हो जाता है। मनी मेकिंग का नॉलेज हमेशा हमें अलग अलग समय पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख कर लेना होता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम नहीं मिल सकता, या अमीर लोग जानते हैं, इसलिए नए नए रास्ते नए नए तरीके वो सीखते रहते हैं और अमीर बनते रहते हैं। अमीर लोगों का दसवां सीक्रेट है, दे सेट गोल प्लान देयर इयर्स। वो अपने टारगेट डिसाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सफल बनना है, अमीर बनना है, तो सबसे पहले तो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टारगेटिंग बनाया तो किस दिशा में आप मार्गक्रमण करेंगे, तो दोस्तों टारगेट होता है अमीर लोगों के पास, और वो 2-5 सालों का टारगेट डिसाइड करते हैं और रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे फिर 5 साल में ये अचीव करना है तो 1 साल में मुझे क्या अचीव करना पड़ेगा, फिर 1 महीने में क्या अचीव करना पड़ेगा, फिर 1 हफ्ते में क्या अचीव करना पड़ेगा, और उसके लिए आज के दिन में मुझे अगर वीक के बाद इस स्टेज पर पहुंचना है तो उसके लिए आज के दिन क्या करना पड़ेगा, और दिन का भी वो प्लान कर देते हैं, दिन के गोल्स बनाते हैं, और छोटे छोटे गोल बड़े बड़े सक्सेस उनके जीवन में लाते हैं। तो 11वां सीक्रेट है अमीर लोगों का, दे आर डूइंग वन थिंग एट वन टाइम। देखिए दोस्तों, हम कोई मशीन नहीं है एक साथ 10 काम करने के लिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर एक चीज पे हम फोकस करते हैं तो दूसरी चीज पे उतना फोकस्ड या उतना कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं कर सकते। तो अमीर लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं, उसे समझते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, वो 10 काम एक साथ करने की जगह एक ही काम बेहतर ढंग से करते हैं। तो दोस्तों, ये 11 सीक्रेट है अमीर बनने के। अगर आपको ये 11 सीक्रेट पसंद आए तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, अमीर बनने का रिजल्ट अपने जीवन में पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, उसके साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं तो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, जिससे मैं नए वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।